ये है पिथौरागढ़ सिटी का व्यू इस ट्रैक से। ये पिथौरागढ़ का वरदानी पार्क, वरदानी टेंपल के ऊपर बना हुआ है और बहुत अच्छी टूरिस्ट लोकेशन है यहाँ की। उसी के ऊपर जस्ट हमारा ट्रैक है, जहाँ से अभी हम ट्रैक कर रहे हैं उसी के ऊपर से जाते हैं रोड के ऊपर। और व्यू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ की, जो व्यू आता है यहाँ से वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह है वरदानी पार्क का व्यू और ये नीचे कुछ आके लोकल गांव है। क्या नाम है भाई इस गांव का? नीचे वो कौन है? वो कौन है? अच्छा ये वजह की हो गया। अच्छा ये है पिथौरागढ़ का, अब इस कैमरे में दिख रहा नहीं, दिख रहा है पता नहीं, दूर आगे एक लोकेशन पे यहाँ पर जो ये है, ये पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज और यहाँ का सुंदर सा ट्रैक। कितना है और अभी यहाँ से? 1 किलोमीटर और होगा। हाँ 2 किलोमीटर। पानी प्यास लगी भाई? ना अभी नहीं, आगे जाके छाया डूबते ना बैठने के लिए। छाया है इस जगह में? आगे आगे पे होगी, पेड़ वेड़ नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन लोकेशन फिर भी अच्छी लग रही है। ये नीचे रोड चल रही है और साथ साथ उसके ट्रैक है। ट्रैक बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर लैंडस्लाइड ही थी पहले, दिखना है ये रास्ता थोड़ा रिस्की है, यहाँ से दिख रहा होगा कैमरे पे, ये जा चुका था भाई। रिस्की तो है, देख ये पिछली बरसात में गिरा होगा ये भी। ये एक और देखना, आधा रास्ता चले गया पूरा। यहाँ बैठते हैं भाई, उसके बाद होगा नहीं बैठने वाला। यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर, पानी वानी पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ट्रैक पे। अभी है और थोड़ा दूर भाई, निकालो यार पानी। ये नीचे यहाँ का पर्यावरण पार्क है और ये संडाकी रोड। तो पानी वानी पी लिया है, अब चलते हैं ट्रैक को आगे, देखते हैं कहाँ से यहाँ का रास्ता आगे को। यहीं से जाना पड़ेगा भाई कहीं आगे को, यहीं से ऊपर को कहीं देखते हैं ना रास्ता। पिथौरागढ़ की जेल है, पिथौरागढ़ की फेमस जेल नीचे जो दिख रही है, और ये जहाँ से हमको ऊपर जाना है ट्रैकिंग पे। लोकेशन तो अच्छी है भाई बैठने के लिए, छाया भी है, ठीक है। यहीं से कटे चलो, हाँ खुले में देख लो, सांप वाप ना हो, बाकी सब ठीक है। जैसे ऐसे कट रखी है ना घास, ऐसे ही खुशी खुली खुली जगह पर बैठ जाओ। भाई मेरे हिसाब से तो यही सही है लोकेशन। एक ही लोकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत यही है, लोग तो आते हैं घूमने लेकिन देखो ये हर जगह कूड़ा फैला रखा है। ये मतलब ज़्यादा टाइम क्या लगेगा इसको कूड़ा को उठाने में, मुश्किल से एक छोटे से बैग में आ जाएगा, अपने साथ लेके जा सकते हैं,
और अगर ले नहीं भी जा रहे हैं तो यहीं पर एक छोटी सी जगह पर उसको जला सकते हैं, या गड्ढे में। गड्ढे में तो खैर प्लास्टिक डालना ठीक है नहीं, तो फिलहाल पहले ये कूड़ा वाला साफ़ कर लेते हैं फिर बैठते हैं यहाँ पर। तो अच्छा दिख नहीं रहा है इतना, इतने कूड़े के साथ ना। क्यों भाई साफ ऑफ कर लेते हैं पहले, क्यों 5-10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, तो साफ़ कर लेते हैं पहले इसको। इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया है तो यहाँ लोगों ने गंदगी फैलाई थी, क्या कह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये करेंगे कि इसको ले जा तो सकते नहीं अपने साथ इतना कूड़ा, तो यहीं आग जला के इसको डिस्पोज कर देते हैं। थोड़ा साफ़ सफाई हो गई है अभी, देख सकते हो आप, जो पहले इतना गंदा दिख रहा था अब थोड़ा साफ दिख रहा है। यहाँ एक गड्ढा मिला है तो इसी गड्ढे में आग जला देते हैं, आग फैलेगी नहीं और कूड़ा फैलेगा नहीं, तो यहीं पर कूड़ा सारा डाल के जो आग है वो जला देते हैं इस पर। चलो भाई फिर सारा इस गड्ढे में डालते हैं, गड्ढे में डालने के बाद फिर जला देते हैं उसको। कैसा, यहाँ ओपन जलाएंगे तो आग फैल सकती है ना। जला दिया ये कूड़ा, थोड़ा सफाई हो गई कूड़ा जलाने से, लेकिन अभी भी कुछ कांच की बोतलें हैं वो तो जलेंगी तो नहीं, तो वो भी ऐसी रख रखी हैं, देखना पड़ेगा, साथ ले जाना पड़ेगा जाते टाइम उसे। कांच और ये एल्यूमिनियम की जो कैन है ये बची हुई हैं अभी, तो उनको वही करेंगे, साथ ले जाएंगे अपने जाते टाइम। तो भाई साथ ले जाना पड़ेगा ये जाते टाइम। भाई बिस्कुट खाओ यार, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत का फल बिस्कुट, 10 रुपये वाला, 10 वाला है, 5 वाला है, 5 वाला 5 रुपये मारते हो। चलो भाई सफाई तो हो गई है, अब अपने लिए भी कुछ बनाते हैं खाने के लिए, क्यों चूल्हा ही बनाते हैं, ये लगे हैं पत्थर, ये सही है लोकेशन, यहाँ पर बैठ जाएंगे, यहाँ पर चूल्हा सही है, ठीक है फिर चूल्हा बनाते हैं। अरे बाप रे, ये तो टुकड़े टुकड़े हो गए भाई। कोई बात नहीं, इसका यूज़ करेंगे, ये भी काफ़ी इनफ है, बढ़िया है, इनको साइड कर दे, इसके चांसेस भी बहुत हद तक हैं कि ये भी टूटेगा। ना बच गया, टूटेगा। ओ भैया आग तो जल गई, अब करते हैं फिर सब्जी काटना स्टार्ट। चलो ये हमारा कास्ट आयरन का पैन, इसको गर्म होने में कम से कम आधा घंटा लगता है, मतलब आधा घंटा तो नहीं लेकिन बहुत देर लगती है गर्म होने में, तो इसको रख देते हैं। इस पैन का गर्म होना मुद्दा नहीं है, इस पैन का है ठंडा होना मुद्दा, ये जितनी देर गर्म होने में लगाता है उससे जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी लिया, पानी क्यों डाल ले मशरूम के लिए, थोड़ा पानी गर्म कर लेते हैं ना।
गंदा, पैन भी साफ हो जाएगा। और अब थोड़ा पानी मशरूम के लिए डाल देते हैं ताकि थोड़ा मशरूम भिगा लें गर्म पानी में। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा। आग तो जल गई है, तो अब बनाओ यार भाई खाने के लिए, बनाओ जल्दी से कुछ। कुछ बना लेते हैं। मशरूम लाए थे तो मशरूम ही बना लेते हैं। तो इनको पहले काट के, पानी गर्म हो गया भाई मशरूम के लिए, हल्दी वाले पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर कुछ गंदगी होगी तो साफ हो जाएगी। चॉप करना है, स्लाइस मत करना। पैन भी गर्म हो गया, तेल डालते हैं। चलो जीरा डाल लेते हैं थोड़ा। आज राई नहीं, आज जीरा है, आज याद करके लाए हम। बस थोड़ी देर को, थोड़ी देर जीरा पका लेते हैं। अब डालते हैं इसमें प्याज। अब जलेगी फिर होगा। तो हल्का प्याज ब्राउन हो गया, टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर गलाने के लिए थोड़ा नमक। बस ऑलमोस्ट गल गए हैं, थोड़ा इनको ऐसे पिचका लेते हैं। टमाटर गल गए, मसाले डालते हैं। सबसे पहले थोड़ी हल्दी, ये
धनिया पाउडर जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसे मिला लेते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं, जलेगा नहीं। मसाला पक गया, अब इसमें मशरूम ऐड कर लेते हैं। ऐसे ढक के थोड़ी शिमला मिर्च लास्ट में छोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी आंच को कम कर देना। मशरूम आधे पक गए, इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं, मशरूम के साथ पकती रहेगी। बस अब इसको पकने देते हैं। मशरूम बनकर तैयार है, अब इनको पैन में निकाल लेते हैं और कुलचे गरम कर लेते हैं। फिर शुरू ठीक हो रहा है भाई।